स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है नई सुबह। ये कहानी है। आंगन में सहनाई बज रही थी, सुहागी मंगल गिर जा रही थी। देवकी चाची कुली नहीं समा रही थी, कभी इधर कभी उधर सजे नजी मेहमानों के स्वागत में व्यस्त नजर आ रही थी। खुशी के वातावरण में भी गीता अनमनी सी अपने कमरे में बैठी थी। आज उसकी शादी होने वाली थी। बारात तो सुबह ही आ गई थी। चाचा, ताऊ, पिता, भाई सभी बारातियों की सेवा में व्यस्त थे। बारात वालों की फरमाइश से चल रही थी। सब उन्हें बुरा करने में लगे थे। आंगन, आंगन मतलब होता है घर के बाहर, जो घर के बाहर या अंदर एक खुला स्थान होता है जिसे आंगन कहते हैं। आंगन में सहनाई बज रही थी, मतलब शादी के समय में जो सहनाई बजती है, जो उसे कहते हैं सहनाई। तो सहनाइयाँ बज रही थी, सुहागिने मतलब जो सुहागे औरतें होती जो शादीशुदा होती थी, वो क्या कहते हैं, मंगल गीत, मतलब कि शुभ गीत जो शादी ब्याह में गाते हैं वो गा रही थी। और उसकी जो देवकी चाची नाम की चाची थी, देवकी नाम की, वो बहुत खुश थी। और क्या कर रही थी वो, सॉरी, देवकी चाची जो थी वो बहुत खुश थी। वो इधर उधर मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी। खुशी के वातावरण में, मतलब जो वहाँ का वातावरण था वो खुशी का वातावरण था, क्योंकि शादी हो रही थी वहाँ पे। लेकिन जिसकी शादी हो रही थी उसका नाम है गीता, वो कैसी थी, उदास थी, बैठी हुई थी। अनमनी मतलब उदास, वो उदास अपने कमरे में बैठी हुई थी। और आज उसकी शादी थी। बारात तो जो थी वो सुबह से आ चुकी थी। और उसके जो चाचा, ताऊ, पिता और अन्य रिश्तेदार थे, वो सभी क्या कर रहे थे, बारात का कि आओ भगत कर रहे थे। और जो बारात वाले थे वो अलग अलग फरमाइशें रख रहे थे, मतलब कि अपनी मांग, हर चीज़, किसी बात को मनवाने का काम करना, उसे कहते हैं फरमाइश। तो उनकी अलग अलग फरमाइशें चल रही थी, जिन्हें जो गीता के परिवार के लोग थे वो पूरा कर रहे थे। गीता देवी की इकलौती लड़की थी। महिलाओं द्वारा उसके भाग्य को सराहा जा रहा था। बाई बोली, बड़ा अच्छा लड़का मिला है, इंजीनियर है, कोई मांग नहीं रखी। जो गीता है वो देवकी की इकलौती बेटी थी। जो देवकी नाम की महिला थी उनकी इकलौती बेटी थी गीता, जिसकी आज शादी थी। तो वहाँ पर जो महिलाएं आ रही थी वो गीता के भाग्य को, मतलब उसकी किस्मत को सराह रही थी, मतलब उसकी तारीफ कर रही थी। उसकी तारीफ करते हुए क्या कहते हैं कि बड़ा अच्छा लड़का मिला है गीता को, और वो क्या है, इंजीनियर है, और उसने कोई भी मांग नहीं रखी है, मतलब कि कुछ भी उन्होंने नहीं मांगा है। गीता को देखते हुए मौसी ने कहा, और फिर सुंदर सुशील गीता में भी तो कोई कमी नहीं है, बड़ी लिखी सुगढ़ है हमारी गीता। बातें सुनकर गीता को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, उसका मन अनजानी शंका से घिरा हुआ था। गीता को देखते हुए उसकी जो मौसी है उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो गीता है वो भी सुंदर और सुशील है, पढ़ी लिखी है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन उनकी सारी बातें सुनकर भी गीता को प्रसन्नता नहीं हुई, मतलब वो खुश नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसका मन जो था वो अनजानी, मतलब एक उसे कुछ शंका हो रही थी, मतलब उसके अंदर एक डर था। बड़ी कठिनाइयों से रामनाथ जी ने यह संबंध तय करवाया था। जब लड़का तथा उसके पिता लड़की देखने आए थे तो घर आंगन में मानो बाहर आ गई थी। बातचीत होते होते बात दहेज पर आई। लड़के के पिता ने बड़े अंदाज से कहा, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हम तो दहेज के खिलाफ हैं, हमारे लिए तो लड़की ही दहेज है। फिर भी यदि आप अपनी लड़की और दामाद को कुछ दे तो हमें इतराज नहीं होगा। जो गीता के पिता है रामनाथ, वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से इन दोनों गीता का संबंध तय किया था। क्यों? क्योंकि उसका संबंध नहीं तय नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक अच्छा लड़के से उसकी शादी करवाने का जो संबंध था उसे तय किया था। जब लड़का और उसके पिता उनके घर आए थे तो उन्होंने उनसे क्या कहा था, बड़े अंदाज में कहा था कि हम दहेज के खिलाफ हैं। इसने कहा था लड़के के पिता ने कहा, और क्या कहा कि हमें तो दहेज नहीं चाहिए, हमारा जो कुछ भी है हमें तो आपकी लड़की ही चाहिए।
और कहा कि अगर फिर भी आप अपनी लड़की और दामाद को कुछ अपनी मन से देना चाहते हो तो दे सकते हो, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, अगर आप हमें दोगे तो हम ले लेंगे। राममान जी भीम भाव से बोले, जो कुछ है हमारा धन तो गीता ही है। लड़के के पिता ने कहा, बात आपकी सच है पर खाली हाथ मुंह में नहीं आता, हमारे सम्मान की भी बात है, लड़का तो हीरा है हीरा। रामनाथ जी ने हाथ झुलाते हुए कहा, मैं आपकी भावनाओं का पूरा मान रखूंगा और संबंध तय हो गया। ये बातें गीता को अच्छी नहीं लगी, शायद पिताजी लड़की के पिता की इच्छा जान नहीं पाई। गीता को उनकी बातों में छलावा स्पष्ट नजर आ रहा था, परंतु लोक लाज के कारण बड़ों के बीच में बोलकर उसके उसने उचित नहीं समझा। वह उस समय चुप रही। उनके जाने के बाद उसने अपनी माँ देवकी से कहा, माँ मुझे इन लोगों की बातों से लग रहा है कि ये दहेज के लालची हैं, दहेज मांगेंगे, पर माँ कब मानने वाली थी। वह बोली, बेटा बेटी थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं और हम भी करेंगे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। कैसा सुंदर राजकुमार सा लड़का है, अच्छा भरा भरा पूरा परिवार मिला, घोड़ा गाड़ी सुख के सभी साधन हैं, मैं तो धन्य हो गई जो ऐसा रिश्ता मिला। अब रामनाथ जी ने विनीत भाव से क्या बोलते हैं, मतलब कि नम्रता पूर्वक उनसे कहते हैं कि हमारा जो कुछ भी धन है वो कौन है, गीता है। लड़के लेकिन फिर लड़के के पिता ने कहा कि आपकी बात सही है लेकिन खाली हाथ मुंह में नहीं जाता, मतलब कि वो कहना चाहता है कि फिर भी आपको कुछ देना तो पड़ेगा ही, हमारे सम्मान की बात है, मतलब अपने सम्मान की दुहाई देते हुए कि अगर आप हमें कुछ नहीं दोगे तो उससे हमारा अपमान होगा, इसलिए वो क्या करता है अपने सम्मान की दुहाई देते हुए उससे कहता है कि हमारे सम्मान की बात है और हमारा जो लड़का है वो हीरे जैसा है। तो रामनाथ जी ने हाथ झुलाते हुए कहा कि ठीक है, हम आपकी भावनाओं का पूरा पूरा मान रखेंगे और उन दोनों का जो संबंध है वो तय हो जाता है, लेकिन गीता जो है वो उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझ जाती है और वो सोचती है कि शायद पिताजी जो लड़के के पिताजी कहना चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं और उनकी बातों में जो छलावा है, छलावा मतलब छल धोखा जो है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, परंतु लोक लाज के कारण मतलब कि बड़ों के बीच में बोलना उचित नहीं होता, इस कारण वो उस समय चुप रही और कुछ नहीं किया। जब वे लोग चले जाते हैं तो गीता अपनी माँ से कहती है कि मुझे इन लोगों की बातों से लग रहा है कि ये लोग दहेज के लालची और दहेज अवश्य मांगेंगे। तब गीता की माँ क्या करती है कि उसे कहती है कि थोड़ा बहुत तो हर कोई माँ बाप देते हैं और हम भी देंगे, लेकिन और गीता की माँ उसकी बात नहीं सुनती है और उसकी बात को नहीं समझती है, लेकिन गीता के मन में वही चिंता लगी रहती है और उसकी माँ को बस यही दिख रहा था कि कितना सुंदर लड़का है, अच्छे परिवार से है और जहाँ पर मेरी बेटी खुश रहेगी, ये सोचकर उसने उसकी बेटी की बात नहीं सुनी। गीता ने विवस्था से कहा, माँ अब सब साधनों में सुख नहीं मिलता, लोग अच्छे होने चाहिए, आपने शंभूपुरा वालों का रिश्ता उनकी गरीबी के कारण ठुकराया पर मुझे लगता है कि वे लोग अच्छे हैं। गीता ने मजबूरी में अपनी माँ से कहा, वो नहीं कहना चाहते लेकिन फिर भी अपनी माँ से क्या कहती है कि माँ सब साधनों से सुख नहीं मिलता, जरूरी नहीं कि घर में सारे साधन हो तभी हम सुखी रह सकते हैं, लोगों की सोच भी अच्छी होनी चाहिए और लोग भी अच्छे होने चाहिए। उसके लिए जो पहले रिश्ता आया था शंभूपुरा वाला, उनको क्या उनकी गरीबी के कारण उनके माता पिता ने उसे मना कर दिया था, लेकिन गीता को क्या लगता है कि वो लोग अच्छे थे, उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए था। चुप रह, ऐसी बातें मत कर, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, गीता को झिड़कते हुए माँ ने कहा। सुसंस्कारी गीता चुप्पी साध गई। जब गीता ने ये बात कही तो गीता की माँ क्या कहती है कि चुप रहो, ऐसी बात मत करो, कोई सुन लेगा तो वो क्या सोचेगा। तो गीता जो थी वो सुसंस्कारी थी इसलिए उसने उसकी बाकी माँ की बात सुन ली और चुप रही। आज का पाठ यहीं तक, बाकी का पाठ हम वीडियो के सेकंड पार्ट पर करेंगे। थैंक यू।